हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। आज से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास शुरू होता है, जिसमें आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम कवर करेंगे कि ऑटोमोबाइल होती क्या है, ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में ऑटोमोबाइल की कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, विदेशी कंपनी कौन कौन सी हैं जो ऑटोमोबाइल के फील्ड में काम करती हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल के डिफरेंट नाम के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑटोमोबाइल व्हीकल की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो लास्ट है वो हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में। अब चलिए अब शुरू करते हैं कि ऑटोमोबाइल के बारे में कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो ऑटोमोबाइल होने के लिए दो चीज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनमें पहला है कि वो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होना चाहिए, मतलब वो स्वचालित होना चाहिए, और जो दूसरा है कि रन ऑन रोड, मतलब वो जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है वो रोड पे चलने वाली होनी चाहिए। और जो ऐसी गाड़ियां होती हैं ऑटोमोबाइल की, उनमें जो पावर उत्पन्न होता है वो इंटरनली उत्पन्न करती हैं। बात करें हम इसकी एग्जाम्पल की, तो जैसे कार हुआ, बस हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, ट्रैक्टर हुआ, तो ये सारी गाड़ियां जो हैं ये ऑटोमोबाइल में के में आती हैं। अब कुछ अपवाद में हैं एरोप्लेन, रॉकेट, शिप, ट्रेन, मोटरबोट। चूंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल हैं लेकिन ये जमीन पर नहीं चलती, इसलिए इनको हम ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर गत नहीं रखते। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री शुरू होती है 1769 से, जब पहली बार एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्राईसाइकिल बनाई गई जो स्टीम के द्वारा चलाई गई थी। और इसको बनाने के लिए एक फ्रेंच इंजीनियर निकोलस जोसेफ क्यूनॉट ने बनाया था, जो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही या उतनी ज़्यादा ओवरलोड लेके, मतलब उतना ज़्यादा लोड लेके ये नहीं चल सकते थे। इस कई मॉडिफिकेशन के बाद 1985 में एक ट्राई साइकिल जो सिंगल सिलेंडर आईस इंजन के द्वारा चलाया गया था, जिसको बनाया था कार्ल बेंज ने, जो आज की ऑटोमोबाइल के फादर बोले जाते हैं। तो अब इंडिया में ऑटोमोबाइल की जो कंपनियाँ, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो कंपनियाँ काम करती हैं, उनमें टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, टीवीएस जैसी ढेर सारी कंपनियां हैं, फोर्ड, टोयोटा, वोल्क्सवैगन, हुंडई, टेस्ला, सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, निसान आदि ऐसी गाड़ियां हैं जो काफ़ी ग्लोबली रूप से जानी जाती हैं। अब बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल के डिफरेंट नेम के बारे में। तो ऑटोमोबाइल को ऑटो से भी बुलाया जाता है, कार के नाम से भी जाना जाता है, मोटर कार बोलते हैं, मोटर कोच बोलते हैं, ऑटो कार बोलते हैं, ऐसे ढेर सारे नाम से हम इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको गाड़ी का भी स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा कि किस टाइप की गाड़ी चाहिए, कितने कैपेसिटी की गाड़ी चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी चाहिए, किस प्रकार की ड्राइव होनी चाहिए और कौन सा मॉडल आपको चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिकेशन ऑटोमोबाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें पहला पॉइंट है टाइप, किस टाइप की गाड़ी चाहिए। जैसे आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, बाइक चाहिए, ट्रक चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कैपेसिटी। आप जैसे मान लो एक ट्रक लेते हैं तो आप एक टन का लेंगे, पाँच टन का लेंगे, आप कोई बस लेते हैं तो उसमें आपको 30 सीटर या 45 सीटर का चाहिए, कोई कार लेते हैं 4 सीटर, 5 सीटर या 7 सीटर चाहिए। अब तीसरा जो वो स्पेसिफिकेशन का पॉइंट आता है वो है मेकर, आप किस कंपनी का कार चाहिए, टाटा का चाहिए, होंडा का चाहिए, हुंडई चाहिए, टेस्ला चाहिए, फोर्ड का चाहिए, मारुति सुजुकी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं और अपनी सुविधा और अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। फिर आता है ड्राइव, आपको कौन सा ड्राइव चाहिए, लेफ्ट ड्राइव चाहिए, राइट ड्राइव चाहिए, या टू व्हील ड्राइव चाहिए, या फोर व्हील ड्राइव चाहिए, ये आप अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इंडिया में राइट ड्राइव ही गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी लेफ्ट ड्राइव ये फॉरेनर
गाड़ियाँ होती हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल की, तो टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल को हम उसके टाइप्स ऑफ व्हीकल के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे ऑटो, मोटरसाइकिल, पिकअप, बस, डंपर, ऐसे टाइप में उसको हम उसके कैपेसिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे एसटीवी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, एमवी मीडियम व्हीकल, पी पैसेंजर। उसको हम उसके फ्यूल के लेवल पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हमको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, डीजल गाड़ी चाहिए, गैस गाड़ी चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स गाड़ी चाहिए या स्टीम व्हीकल चाहिए, जो कि आजकल नहीं है, अब नहीं चलती, या फिर हम उसके ड्राइव के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव चाहिए, राइट हैंड ड्राइव चाहिए, या फिर हमको फ्लूइड ड्राइव चाहिए। वैसे जो लेफ्ट ड्राइव है वो ऑफ रोड या फिर फॉरेन गाड़ियां होती हैं जो कि इंडिया में नहीं चलती। फिर राइट हैंड ड्राइव जितने भी हमारे पैसेंजर कार या हमारे ऑन रोड की गाड़ियां होती हैं वो सब राइट ड्राइव ही होती हैं। फ्लूइड ड्राइव जिसमें तार कन्वर्टर होता है जो फ्लूइड के द्वारा ऑपरेट होती हैं, जैसे हमारा बुलडोजर हुआ या फिर डोजर हुआ, एक्सकेवेटर हुआ, ये सब जो गाड़ियां होती हैं ये फ्लूइड ड्राइव गाड़ियां होती हैं। या फिर हम उसको डोर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंजन की पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरह हम ऑटोमोबाइल की गाड़ियों को विशेष प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक ही क्लासिफिकेशन हम इसके आने वाले अगले चैप्टर में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि कोई गाड़ी काम कैसे करती है, उसमें पावर फ्लो कैसे चलता है, गाड़ियों के मेन पार्ट क्या होते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।